सो टुडे वी आर टेकिंग अ टॉपिक स्वरे चेतन प्रो के इंस्ट्रक्शन में इंट्रोडक्शन में हम गाइडेंस में प्रोजना में बोला है कि नाउ हम लोगों को थोड़ा डाइव डीप करना चाहिए. अभी तक भी हमने काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स लिए जिसमें से वैष्णव क्वालिटीज के बारे में हमने डिस्कस किया, हमने परसेप्शन ऑफ रियलिटी के बारे में डिस्कस किया है, स्वरे चेतन प्रो के ग्रैटिट्यूड के ऊपर बात की है, बहुत सारे डीप टॉपिक्स को टच किया है अभी तक के. बट प्रभु जी आप चाहते हैं स्वरे चेतन प्रो कि हम और थोड़ा डीप जाएं अपनी कृष्णा कॉन्शियस लाइफ में. यू सी कृष्णा कॉन्शियसनेस ऐसा नहीं है कृष्णा कॉन्शियसनेस एक चीज़ है एंड ये वर्ल्ड एक थोड़ा अलग चीज़ है. कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ सुपर सेट और उसमें वर्ल्ड और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ें आती हैं. तो आज हम थोड़ा और डीप जाएंगे और ज़्यादा समझेंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में. बिहेवियरल साइंस स्पेसिफिकली टॉपिक का नाम है. तो साइंस वर्ड जो है आप लोग सुनते हैं तो इससे आपको क्या हिंट आता है, क्या 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 आपके मन में आ रहा है, कोई कोई बताना चाहेंगे साइंस बोलता हूँ मैं तो क्या आता है. टेक्नोलॉजी गुड वेरी नाइस यस फ्लोरा एंड फौना प्लांट्स एंड एनिमल्स यस साइंस वंडरफुल वंडरफुल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन रिसर्च एंड एप्लीकेशन अप्लाई कैसे किया जाए एंड टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ साइंस वेरी गुड. फ्लोरा एंड फौना इज इंफॉर्मेशन तो प्रभु जी ने दोनों आंसर कंबाइन कर लिया वेरी स्मार्ट. तो यस तो साइंस को हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है विज्ञान है ना. तो भगवद गीता में एक श्लोक आता है जहाँ भगवान बता रहे हैं ब्राह्मणों की क्वालिटीज एंड एज यू नो प्रभुपाद जी का विजन है कि इस्कॉन एक ऐसी सोसाइटी बने जहाँ ब्राह्मणों को मैन्युफैक्चर किया जाए. वी ऑल बिकम ब्राह्मणस तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन दैट इज व्हाई यू सी कौन से टेम्पल में आपको बोर्ड दिखता है जिसमें बढ़िया कुछ कुछ लिखा होता है लिखाई पढ़ाई कौन से टेम्पल में मिश्री के दो दाने मिलते हैं खाओ चढ़ाओ दक्षिणा और जाओ. दिस इज नॉट अ टेम्पल एनवायरनमेंट ट्रेडिशनल टेम्पल एनवायरनमेंट. तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि हम ब्राह्मण मैन्युफैक्चर करें ब्राह्मण बने. तो भगवद गीता में भगवान 9 क्वालिटीज गिनाते हैं ब्राह्मणों की जो डेवलप करना है हम लोगों को. तो वो है क्या समाधम तप शौचम शांति आचवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आश्रित्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम. भगवान बता रहे हैं क्या 9 क्वालिटीज है ब्राह्मणों की है ना. कोई बोलता है हम ब्राह्मण परिवार से है ना हम ब्राह्मण हैं ना. मैं भी बाय बर्थ स्मार्क ब्राह्मण फैमिली से तो साउथ इंडिया में ब्राह्मणस में भी अलग अलग कैटेगरी होती है ना. तो अजामिल का अगर आप लोग पास नेम सुनते हैं तो वो टॉप क्लास के ब्राह्मण है. तो स्मार्क ब्राह्मणस आर ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी हाई क्लास टॉप क्लास ब्राह्मणस. ठीक है तो जब तक ये श्लोक मैंने नहीं पढ़ा था तब तक मुझे भी लगता था थोड़ा अंदर सटली ब्राह्मण है स्मार्ट ब्राह्मण स्मार्ट ब्राह्मण है ना. बट जब मैंने क्वालिटीज पढ़ी तो समझ में आया कि नहीं सिर्फ बर्थ से ब्राह्मण नहीं होते हैं. तो समा दम तप शौचम शांति आर्जवम एकच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम. तो अब बाकी क्वालिटीज को हम साइड में रखते हैं हम लास्ट सेकेंड लास्ट और सेकेंड टू सेकेंड लास्ट में क्वालिटीज देखते हैं. भगवान बोल रहे ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम. आस्तिक्य मतलब श्रद्धा होना आस्तिक्य आस्था होना. आस्था भी ब्राह्मण की एक क्वालिटी है. कोई बोलेगा कि हम ब्राह्मण हैं लेकिन हम भगवान पे भरोसा नहीं रखते विश्वास नहीं रखते तो उनको हम ब्राह्मण नहीं बोल सकते हैं. तो सिमिलरली फर्स्ट इसके पहले दो क्वालिटीज हैं ज्ञान विज्ञान. तो विज्ञान इज साइंस ज्ञान क्या है ओके नॉलेज वेरी गुड. तो विज्ञान साइंस कब बनता है जब इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन रिसर्च इज अप्लाइड. तो विज्ञान क्या है विशिष्ट रूपेण ज्ञान मतलब जिसको अप्लाई किया गया है उसको विज्ञान बोलते हैं. अगर अप्लाई नहीं किया गया हो सिर्फ आपके मन में चल रहा है तो वो ज्ञान है वो नॉलेज है वो अभी तक यूज नहीं हुआ है. फॉर एग्जाम्पल अभी आजकल साइंस साइंटिस्ट बहुत सारे इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं क्या ब्लैक होल सिंगुलैरिटी dwarf, white dwarfs, wormholes, and quantum mechanics. Of course, quantum mechanics ka use ho raha hai science mein. But all of these things, so there are two categories of science also. Jo aajkal modern contemporary science chal raha hai, usko bhi humko samajhna padega. To ek type ka science hai jo sirf gyan hai. Uska koi practical application nahi hai. Aap mein se kitne logon ne black hole ko apne practical life mein apply kiya hai?
प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई हुआ है तो मुझे मेरा चेहरा ब्लैक होल जैसा काला है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। इट डजंट मैटर है ना, कोई बोला बहुत ही ऑपरेशन कैसे बोल दिया मेरा चेहरा सब कोई दुखी मत जाना। बट द पॉइंट इज देयर इज नो प्रैक्टिकल यूसेज ऑफ दैट नॉलेज। किसी को कोई चैलेंज है यहाँ पे प्रभु जी? यूज है कैसे आप बोल रहे हैं, कोई ऐसा चैलेंज करना चाहते हैं यहाँ पे? सो प्रैक्टिकल यूसेज ऑफ दैट। तो ज्ञान ज्ञान भी इम्पोर्टेंट है, बट अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज विज्ञान, अप्लाइड नॉलेज, विज्ञान एंड देन आस्तिक। तो आज हम विज्ञान के बारे में सुनेंगे, बिहेवियरल साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो आज तक हमने काफी कृष्णा कॉन्शियसनेस सुना है ना, भगवान की भक्ति और कच्चे क्वालिटीज कैसे डेवलप किया जाए, हम लोग कैसे आनंद महसूस कर सकते हैं भगवान के संगति में, हमने बहुत सारे थियरी पढ़ा है। नाउ अब हम थोड़ा डीप जा रहे हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में। ओके, एवरीवन इज विद मी? तो यस, वेरी वंडरफुली बहुत ही जिसको एक्सप्लेन किया कि कैसे यू नो विज्ञान ज्ञान और विज्ञान में क्या डिफरेंस है और विज्ञान कितना इम्पोर्टेंट है। केवल खाली ज्ञान से मतलब इट्स नॉट कम्प्लीट जब तक अप्लाइड नहीं। ज्ञान मतलब इस वर्ल्ड इज अभी जो चल रहा है उसको वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन बोला जाए। आप एक बटन दबाओ गूगल में सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, लेकिन क्या हम रियली सेटिस्फाइड है खाली इंफॉर्मेशन से? नहीं, वी आर लुकिंग फॉर अ पर्सन हु इज फॉलोइंग दैट इंफॉर्मेशन एंड हु इज दैट इज गॉड मीन क्या है। तो जब तक वो इंफॉर्मेशन है तब तक दूर से बहुत अच्छा लगता है, दूर से जो क्या बोलते हैं दूर डोंगर सादरे जैसा है मराठी में, दूर का जो पहाड़ है वो सुहाना लगता है। लेकिन जब तक वो अप्लाइड नहीं है तब तक भी कोई इंस्पायर नहीं होता भी उस चीज को पालन करो या नहीं। तो इवन प्रभुपाद भी हमेशा अपने अगर बुक्स में पढ़े हैं प्रभुपाद जी ने साइंस ऑफ डिवोशनल सर्विस बोला। तो ये साइंस ऑफ डिवोशनल सर्विस मतलब जैसे प्रभु ने अच्छा टर्म बताया कि रिसर्च, रिसर्च मतलब उसका इनपुट है, साइंस मतलब उसका एक इनपुट आप डालेंगे उस सर्कमस्टेंसेस में तो बराबर उसका आउटपुट आना ही है। तो इनपुट कल्टीवेशन हो इनपुट चैंटिंग रीडिंग हियरिंग एंड भाव यात्रा एंड यू नो भागवत कृष्ण कथा डिस्कशन देन इट विल बिकम इट विल जो तुझे सफल आएगा द रिजल्ट विल बी द डिवोशनल सर्विस और आवर हार्ट विल बी प्यूरिफाइड एंड वी विल बिकम गॉड कॉन्शियस वी विल बिकम कृष्णा कॉन्शियस। यस, तो दैट इज साइंस। तो इवन भगवद गीता में भी कृष्णा लॉर्ड कृष्णा भगवान बताते हमेशा कोई भी श्लोक जो है उसमें आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी है। जैसे फॉर एग्जांपल पत्रम पुष्पम फलम को उसमें बताया गया कि ठीक है मेरे से प्रेम करो मेरी भक्ति करो, लेकिन भगवान ने भी वहाँ पे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे हैं कि नहीं मुझे पत्र अर्पण करो, मुझे फूल अर्पण करो, मुझे भोग चढ़ाओ, इवन मुझे नमस्कार करो, मुझे मत बना मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। बहुत इसेंशियल श्लोक है, आप हमेशा प्रभुपाद जी के हमेशा लेक्चर में सुनेंगे कि मत बना मत भक्तो मेरे मुझे मुझे मन लगाइए, मत भक्तो मेरे भक्त बनो, माम नमस्कुरु मुझे नमस्कार करो। तो ऐसा नहीं कि भगवान बोलते हैं या फिर भक्ति जो है एक जस्ट एक भावनात्मक है एक सेंटिमेंट है, भावना इज इम्पोर्टेंट बिकॉज यू नो अगर भावना नहीं है अगर फीलिंग से ही है अपने स्कोर पे और अपने पे डिफरेंस है तो भावना होनी चाहिए बट उसका एक उसे व्यक्त करने का एक तरीका होना चाहिए। सो दैट मेथोडोलॉजी वो तरीका जो है दैट इज साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड बिहेवियरल साइंस। तो इसको हम और एलैबोरेटली हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे, इतना आसान नहीं है एक्चुअली। कैसे आपने फिजिक्स पढ़ा होगा और उसके बाद जब
इंजीनियरिंग जो है वो अप्लाइड फिजिक्स है। तो बहुत डिफरेंस है। मुझे लगता था कि मैं बेसिकली मैंने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, तो फिजिक्स क्योंकि तो फिजिक्स ही है ना, पता नहीं चलता यार आगे इंजीनियरिंग में होगा क्या। बट देखा कि अरे बाप रे इसमें थर्मोडायनेमिक्स है, इसमें क्या क्या नहीं है, तो यस डिजाइन से अलग अलग तो डिफरेंट, तो इसलिए थोड़ा समय लगता है बहुत। पर सी मुझे लगता है वैसे तक वो भी अपने लेक्चर्स बताते हैं कि भाई एक जैसे कोई इसमें ज्वाइन होता है 6 महीने के अंदर अंदर तो सब पता चला क्या है, क्या है स्पिरिट सोल, माइंड ऑफ दिस बॉडी, फिर व्हाट इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सी जो हमने कभी नहीं सुना होगा वो 6 महीने में क्या हमने सारा कवर कर देते हैं, क्या होता है किधर क्या वैष्णव अपराध से लेकर डीडी वर्शिप क्या होता है। डीडी शब्द किसके सुना था क्या मैंने, अर्च विग्रह हमने खाली मूर्ति सुना होगा, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ओके मूर्ति क्या है, अर्च विग्रह क्या है, प्राण प्रतिष्ठा कैसे होता है, फिर ये सब सीख सीख लेते हैं। ब्रह्म रिलेशनशिप क्या होता है, जैसे गांधी ने बताया कि ब्राह्मण इज नॉट बाय कास्ट, उसके ब्राह्मण इज बाय क्वालिटीज, तो हमने कभी सुना ही नहीं था ये सब, तो 6 महीने में सीख जाते सब कुछ। लेकिन अप्लीकेशन वहां पे जो है वो इट्स टाइम कंज्यूमिंग। तो यस भगवान भगवत गीता भी बोलते हैं कि यस वी हैव वी मस्ट कल्टिवेट द साइंस ऑफ बिहेवियरल साइंस और साइंस ऑफ डिवोशन। एंड जैसे आप अगर बाहर जाएंगे तो बहुत ये कंसेप्शन है लोगों का है ना, भक्ति अगर आप किसी से भी पूछेंगे इस्कॉन के बाहर तो क्या बोलेंगे, अरे भक्ति मतलब हम हमेशा सदैव मन में अपने भगवान का याद करते रहते हैं, नाम हमारा चलते रहता है, भगवान का नाम सफर करने की जरूरत नहीं है, ऐसे हाथ में माला लेके क्यों घूमना है, गंदा हो जाएगा खराब हो जाएगा, बेटर है बस मन में स्मरण करते रहे ना भगवान। तो ऐसे भी भावग्राही ना भावग्राही जनार्दन ऐसे बोलते हैं, तो भावग्राही जनार्दन है भगवान उसमें डाउट नहीं है, लेकिन वो भाव को प्रेजेंट कैसे करना है, व्यक्त कैसे करना है, दैट इज अप्लाइड डिवोशन का साइंस, तो बिहेवियरल साइंस जो हम सीखने वाले। तो इसलिए प्रभुजी जो श्लोक बता रहे थे कि मन मना हो मत भक्तो मत्या जी, अभी इतने में छोड़ देना चाहिए था भगवान को, अगर भाव करा नहीं है तो माम नमस्कुरु क्यों बोल रहे हैं, नमस्कार करो मेरे को प्रणाम करो इधर खड़े होकर, क्यों बोल रहे हैं उनको कि नमस्कार से कुछ आ रहा है क्या, मजा आ रहा है क्या, नहीं उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बट आपके अंदर वो डिवोशनल फीलिंग्स अगर आपको डेवलप करना है तो भाव ये एक्शन करना जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमें तो सब लोग ऐसे बैठिए ठीक है, बैठिए सब लोग सबके पैर नीचे ओके, नाउ पैर को उठा के ऐसे रखते हैं बैठिए सब सब ओके, अब हाथ को ऐसे रखिए चलिए सब कीजिए ब्रो यस। अब बताइए हे कृष्णा मैं बहुत तकलीफ में हूँ कृपया मेरी मदद कीजिए, ठीक है सबको कैसा एक्सपीरियंस हुआ, किसी को तकलीफ लगी किसी को मन से प्रार्थना निकली भगवान की। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट चलिए ऐसे बैठ जाइए स्ट्रेट फीट के साथ हाथ जोड़िए ऐसे अपने हृदय से लगाइए इसको है ना, यहाँ पर 16 प्लेक्सेस होते हैं भाई कभी, तो यहाँ पर ऐसे रखिए हाथ पर कीजिए और आप बोलिए हे कृष्णा मुझे बहुत तकलीफ है कृपया मेरी सहायता कीजिए। कैसा लगा डिफरेंस है, सो यू अंडरस्टैंड क्यों भगवान नाम पे बोल रहे हैं, भगवान का ईगो नहीं है वहां पे मेरे को नमस्कार करो, मेरे को नमस्कार नहीं किया एंट्री करके, कैसा व्यक्ति है देखो बेवकूफ का, इसको तो मैं श्राप दूंगा इसको नरक में सड़ाऊंगा मैं, नहीं भगवान को कोई ईगो नहीं है यहाँ पे, हमको ही डिवोशनल फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए फील करने के लिए इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम लोग ये एक्टिविटीज करें। एंड दिस इज वाई बिहेवियरल साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस सीखना, जिसको हिंदी में या संस्कृत में वैष्णव सदाचार बोलते हैं, वैष्णव एटिकेट्स बोलते हैं, तो अगर हम ये एटिकेट्स का पालन करते हैं तो हम ही को बेनिफिशियल होता है, हम ही ये डिवोशनल फीलिंग्स को एक्चुअली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। That is why you will see we have books written. There are hundreds of pages of books that are written specifically focusing on कैसे हमको सदाचार करना चाहिए, कैसे हमको
आचरण करना चाहिए। और शास्त्रों में भी कई ऐसे उदाहरण है, देयर आर मल्टीपल एग्जांपल जिसमें ये बताया गया है कि कैसे डिवोटी सदाचार करते हैं और सदाचार न करने का क्या परिणाम होता है, ऐसे कई उदाहरण है। पूरा पहला एग्जांपल जो है वो महर्षि सुतो, ही वाज अ सन ऑफ सुतो गोस्वामी, सुतो गोस्वामी फादर थे। तो रोमहर्षि सुतो जो है वो सुतो गोस्वामी के फादर है, जो भागवत भागवत कह रहे हैं वो उन्होंने सुना था सुतो गोस्वामी से, सुतो गोस्वामी से तो वो डिलीवर कर रहे हैं वहाँ पर। तो एक तो पता चल रही है, एक तो बहुत अच्छा चल रहा है, वेरी ग्रेट स्कॉलर है, वेरी बहुत अच्छे भक्त। उसके बीच में क्या होता है, बलराम जी आते हैं, उनका एंट्री होता है। लेकिन अभी जैसे ही बलराम जी एंट्री होते हैं, सब लोग जो साधु संत जितने भी लोग बैठे थे ऑडियंस में, सब खड़े हो गए, बिकॉज बलराम जी अभी भगवान है, भगवान के बड़े भ्राता। तो लेकिन अभी रोमहर्षि सुतो उनको एक थोड़ा सा डाउट हुआ कि अरे मैं तो वैशासन पे बैठा हूँ, तो क्या मैं उनको वैसे से स्पीक करूँ, नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, चल रहा था। इतने में बलराम जी आए, जब पोजिशन का मैटर आता है तो कोई भी हो, आपके सीनियर्स आते हैं या फिर भगवान स्वयं आ रहे हैं, तो वी हैव टू जस्ट रिव्यू अवर पोजीशन एंड वी हैव टू बी ओबेसेंसेस, वी हैव टू ड्यू 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 रिस्पेक्ट। तो वहाँ पे क्योंकि उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं किया, तो भगवान को सिखाने के लिए ऑफकोर्स उनको कुछ आनंद नहीं आया, बट वी वॉन्टेड टू सेट एग्जाम्पल कि रिस्पेक्ट इतना इम्पॉर्टेंट है। वन फॉर एग्जाम्पल, एक बार इंद्र जो है उनको दरबार में दुर्वासा मुनि आते हैं, दुर्वासा मुनि जो है तब अगर उनको लगता है कि अरे उनको लगता है कि भाई आई शुड रेसिप्रोकेट विद इंद्र, तो उनको जो माला माला मिला रहता है तो वो खुद का माला निकाल के इंद्र को पहनाते हैं एज अ ब्लेसिंग्स। बट इंद्र को क्या लगता है, समथिंग सम उनका एटीट्यूड और भी इंटरनल कुछ हो सकता है, सो व्हाट ही डिड, उसका रेसिप्रोकेशन उन्होंने सही से नहीं किया रहता है, क्या रहता है वो माला निकाल के उनके ऐरावत हाथी को पहनाते हैं, और वो हाथी क्या करते हैं, अभी हाथी को हाथी है तो पहन तो बस वो उछाल के पैरों तरह को चल देते हैं। तो फिर दुर्वासा मुनि उनको बड़ा ऑफेंड फील होता है, सी समबडी इज यू नो गिविंग आशीर्वाद नो, बट यू नो मेरा रेसिप्रोकेशन जो है अगर वो सही नहीं रहा, अगर मेरा अगर मैं बिहेवियर बिहेवियर मेरा सही नहीं था तो उसका बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ऑफकोर्स दुर्वासा मुनि को बहुत बुरा लगा, बहुत खुश था। तो कहने का मतलब है कि एक आपको लग सकता है कि अरे बहुत छोटी चीज़ है, अरे ठीक है चलता है, अरे कोई कोई इतना सा कोई बहुत पकड़ेगा, बट नो इट हैज अ वैल्यू। बहुत छोटी 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 बातें मगर छोटी छोटी मगर मोटी बातें, दिखने में बहुत छोटा चीज़ लगता है लेकिन रिस्पेक्ट हो गया और आपका रिस्पॉन्स हो गया, आप किससे क्या बातचीत कर रहे हैं उसका तरीका हो गया। सो प्रेजेंटेशन आप बोलेंगे कि नहीं देखो जी मेरा हार्ट तो इंटेंशनली आई एम वेरी गुड, मेरा कोई दुर्भाव है नहीं, बट सी देयर आर टू थिंग्स, वन इज इंटेंशन एंड वन इज एक्शन। सो जब हम खुद पर देखते हैं तो भले ही हमारा इंटेंशन अच्छा होगा बट वी हैव टू चेक अवर एक्शन, ठीक है। और सेकंड चीज, जब मुझे दूसरे में देखना हो किसी में तो भले उसका एक्शन गलत हो मुझे उसका इंटेंशन देखना है। जब मैं खुद को देखूंगा तो मेरा मैं ज्यादा चेक करूंगा कि मेरा एक्शन सही है या नहीं, ऑफकोर्स इंटेंशन अच्छा हो तो बेस्ट, नहीं भी हो तो एक्शन सही होना चाहिए। आगे वाले का जब मैं देखूंगा, आगे वाले का बिहेवियर मैं जब चेक करूंगा, तो मैं आगे वाले का भले उसका एक्शन गलत हो मैं सोचूंगा कि नहीं शायद उसका इंटेंशन अच्छा ही होगा। सो अगर ये दो चीजें अगर पालन करते हैं तो वी विल बी लाइक रिलीव फ्रॉम ग्रेट मिसअंडरस्टैंडिंग्स इन आवर लाइफ।
तो वही बोल रहा था कि बिल्कुल शास्त्र में भी इसका बहुत इम्पोर्टेंस है बिहेवियरल साइंस एंड शास्त्र के एग्जांपल्स प्रैक्टिकल लाइफ में भी दिखाई देते हैं. फॉर एग्जांपल मैं बस्तर जगदलपुर से आ रहा हूँ तो वहाँ पर ये हुआ था कि हमारे जो कलेक्टर थे उस समय के वो जो वंडरफुल जेंटलमैन थे मतलब कैरेक्टर में एक डॉट भी नहीं देखा जा सकता था. वो व्यक्ति बहुत राजपूताना फैमिली से आ रहे थे तो उनका फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छा था तो वो मात्र एक रुपये सैलरी देते हैं गवर्नमेंट से. इज अ कलेक्टर IAS ऑफिसर बट ही मेक्स ओनली 1 rupee सैलरी फ्रॉम द गवर्नमेंट बिकॉज कैरेक्टर में पक्के हैं वो उनको कुछ नहीं चाहिए और उस कारण से उनके ऊपर बहुत मतलब चैलेंज भी आते थे क्योंकि लोग तो कैरेक्टर में सही नहीं होते. तो सच अ वंडरफुल जेंटलमैन. क्या हुआ PM मोदी एक बार बस्तर विजिट किए तो अब PM मोदी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. हुआ ये कि IAS हमारे जो कलेक्टर सर थे उन्होंने सन ग्लासेस पहन के PM मोदी से बात कर ली और वो फोटो वायरल हो गया. फोटो वायरल हो गया बोले देखो कैसा ये व्यक्ति अपना सन ग्लासेस भी नहीं निकाल सकता है. दिस इज एन एटिकेट. इफ समबडी सीनियर हैज कम इन फ्रंट ऑफ यू तो आप चश्मा पहन के यू शुड नॉट. ऑल्दो उनका कोई इंटेंशन खराब नहीं था एंड otherwise PM Modi would have noticed him and he would have told him what is this, you know. But why did he talk with him? Because intention samajh gaya PM Modi is also smart. But the point is etiquette. वहाँ पर etiquette है जैसे हम मंदिर में भी जाते हैं तो कई बार हम कभी cap वगैरह लगा लेते हैं hat लगा लेते हैं तो you should not anybody should not have hat or cap. ये भी एक जैसे राजा होता है जब राजा भी एंटर करता है टेंपल उसको अपना क्राउन उतार के एंटर करना चाहिए. इसलिए कभी कभार आप देखेंगे कि जो मंदिर के दरवाजे होते हैं वो छोटे होते हैं कि वो अपना मुंडी उठा के ना घुसो झुका के नहीं घुसे. दिस इज ऑल्सो साइंस बट द पॉइंट इज दिस कि आप छोटा छोटा ये पॉइंट है जैसे रोज ही बोल रहे थे बट इट इम्पैक्ट्स अ लॉट है ना. तो उससे मुझे याद आया आप लोगों से मैं इनपुट्स देना चाहूँगा कि आपके घर में और आपके स्कूल में आप लोग जैसे कितने स्कूल पढ़ रहे हैं आप हैं 3-4 कॉलेज भी जॉब और घर तो जॉब वाले कितने हैं यहाँ पर. ओके तो मिक्स क्राउड है. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल. अभी सब मतलब सबने स्कूल में तो पढ़ाई की है तो स्कूल और घर में क्या डिफरेंसेस होते हैं कोई बताना चाहेगा. व्हाट आर द डिफरेंट एटीट्यूड्स बिहेवियरल एटीट्यूड्स जो चेंज होता है घर में और स्कूल में. स्कूल में हम फॉर्मूले करते हैं घर में कैटेगरी Yes. Formal means you are talking about dress. Formal dress में रहते हैं. हमारे school dress ये आपके मतलब formal like behavior. Okay, behavior. Etiquettes भी हम लोग चलते हैं. बैठे भी नहीं चलते. Yes. उठते बैठते हो. जैसे अभी जाना हो तो उसके जाते हैं. मैं बुक का. Yes. Yes. Very nice. हमें तो calorie चलो calorie उठती चले गए. Okay. So one point very nice. हम permission लेते हैं. स्कूल में कुछ भी काम अगर हमको करना है बाहर जाना है कुछ भी करना है तो हम परमिशन लेते हैं घर पे हम नहीं लेते हैं. एनी मोर पॉइंट्स. अगर हम लोग घर में घर में रहते हैं तो हमारा मोस्टली माइंड हमको कंट्रोल करना होता है हम कैसे भी पिता से रहते हैं ये ज़्यादा सोचते नहीं. जब हम स्कूल में जाते हैं तो हम अपने इंटेलेक्चुअल और टू सम एक्सटेंट हम अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं. आपने तो बोर पकड़ लिया एकदम मतलब वेरी नाइस. एनी मोर स्कूल में क्या डिफरेंस रहता है. बोलो आवाज आती है. स्कूल में सब कुछ टाइमिंग से होता है. टाइम टू टाइम क्लास होती है. टाइम टू टाइम लंच होता है. यार हम लोग पंक्चुअल होते हैं. स्कूल में अगर थोड़ा लेट एंट्री हुआ तो असेंबली के पैरों पर बाहर खड़े रहो फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा. प्रिंसिपल ऑफिस में ले जाएगा माफा बच्चे होगा घर में फोन रहेगा कहाँ कहाँ बच्चा ये वो घर पे ठीक है.
कितने लोग स्कूल में नाक में उंगली करते हैं? राइट, हम ये एटिकेट फॉलो करते हैं, नेल्स कट करना, बाल कट करना, और एग्जांपल आपको दीजिए, आप लोगों के पास है प्रॉपर यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म, यस, हम यूनिफॉर्म में रहते हैं, जिसका प्रोजी भी फॉर्मल की बात कर रहे हैं, तो फॉर्मल यूनिफॉर्म होता है और घर में नहीं होता है। क्यों हम वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, क्यों हम ऑफिस नहीं जाना चाहते हैं? और घर में अभी 2 ईयर से वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, तो शॉर्ट्स टी शर्ट पहने हुए, 9 बजे की ड्यूटी, 8:45 को उठा हूँ, लॉग इन किया हूँ, ब्रेक मिलेगा तो ठीक। ऑफिस में जो भी रूल्स डिफाइन किए गए, ड्रेस को लेके, टाइमिंग को लेके, जैसे आपने बोला 2 घंटे की, तो वर्क फ्रॉम होम में आदत है, तो ऑफिस में भी आती है। और हुआ क्या, एक दिन मेरे सीनियर ने मुझे देख लिया, सब इतने सारे चीजें, इसलिए हम कहीं पर भी जाते हैं, जैसे ऑफिस हो, स्कूल हो, वहाँ के जो सर्टन रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं, चाहे वो ड्रेसअप को लेके हो, टाइमिंग को लेके हो, या फिर होमवर्क दे रहे हैं, जैसे टास्क असाइन होता है ऑफिस वगैरह में, वो करना है, वो सब चीज़ें घर पे नहीं होती। वीकेंड में आप फ्री हो, कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कभी भी फोन कर रहे हो, क्योंकि ये सब शो। संदीप प्रोवर से मेरा आपसे क्वेश्चन है, एनीवेयर फॉर एवरीवन, आपको ज़्यादा एफिशिएंट कहाँ लगता है? आप एफिशिएंट वर्कर कहाँ पर हो? एफिशिएंट वर्कर ऑफिस में। एनीबडी हैज अदर ओपिनियंस? I am efficient worker at home because traveling time, going to office and coming to office 2 to 3 hours, there are mostly. But if I give you an option, कि आपको work करना है ना, आपका well-being की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, आपको अच्छा कहाँ लगता है ये नहीं पूछा जा रहा है। If you want to work efficiently, office environment is better than home environment. Example लेता हूँ मैं, अगर आपको पढ़ाई करना है, आपके exam बाद, तो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करना प्रेफर करें या फिर घर पे? घर में एसी का हवा चल रहा है और अंदर से किचन से कुछ पापड़ टलने की बिल्कुल आ रही है, तो पढ़ाई कर सकते हैं आप? अभी सब लोग घर में, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी मना रहे हैं और अकेले कोने में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, पापड़ लगता है, तो बड़ा प्रैक्टिस, इतना एफिशिएंसी हम नहीं देते प्रैक्टिस, अगर फील से पूछे तो। सो इसके पीछे साइंस यही है, there are certain etiquettes that are being followed, जो फॉलो हो रहे हैं ऑफिस में, स्कूल में, हॉस्पिटल में, जहाँ पर भी हम जाते हैं अलग एनवायरनमेंट में, वो जगह ज़्यादा एफिशिएंट क्यों है? इट इज़ बिकॉज वहाँ पर हम एटिकेट्स फॉलो कर पाते हैं आसानी से, हम लोग सब लोगों को देखते हैं, सब वो पालन कर रहे हैं, और एसोसिएशन हम लोग देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज दीज एटिकेट्स आर बीइंग फॉलोड, हम ज़्यादा एफिशिएंट कर पाते हैं। तो सेम चीज नाउ अप्लाइज टू वेस्टर्न ऑफिस ऑल्सो। क्यों हम लोगों को लगता है प्रभु जी हम धाम पे जाते हैं जब, तो कितनी अच्छी भक्ति होती है, बाप रे इतना बढ़िया सुंदर हम भजन साधन कर पाते हैं, क्यों हमको ऐसा लगता है जब हम मंदिर आते हैं तो प्रभु जी मंदिर में माया नहीं है, मंदिर से बाहर कदम रखती माया माया, बिकॉज हम जब मंदिर में आते हैं तो वी आर फॉलोइंग एटिकेट्स ऑटोमेटिकली,
बिना बोले हम फॉलो करते हैं, तिलक लगाते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, प्रणाम करते हैं, डिवोटीज के सामने एक सर्टेन वो रखते हैं। एक मेरे को एक बच्चा मिला था जब मैं जगदलपुर में था बस्तर में, तो वहाँ पे बालाजी मंदिर है बहुत सुंदर, तो वो जब भी वहाँ एंटर करता था ना, वो बंदे को बहुत बुरी आदत थी लड़कियों को देखने की, ठीक है, पूरी तरह से, लेकिन जब भी वो मंदिर में कदम रखता था ना, वो मुझे बताया ये चीज़, उस जब भी मैं मंदिर में कदम रखता था तो अपने आप बोलता नहीं यहाँ मंदिर में नहीं, ऑटोमेटिकली उसको किसी ने नहीं सिखाया है कि पंप लगेगा ये होगा वो होगा, किसी ने नहीं डराया है उसको, क्योंकि फिर भी ऑटोमेटिकली एटिकेट पालन करने लगे कि नहीं इफ यू आर कंफर्टेबल। सो व्हाट इज हैपनिंग जब आप तिलक लगा रहे हैं, धोती कुर्ता पहन रहे हैं, ये जब एटिकेट्स पालन कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो, जैसे हमने एक्सपेरिमेंट किया, ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो भावनाएं जनरेट होती हैं। जो यूनिफॉर्म और ड्रेस कोड्स का ये हर जगह पे, आप अगर स्विमिंग कॉस्ट्यूम अगर पहने हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपका उछलेगा कि बिल्कुल जी, अगर आप तो अगर कोई कोई है रनर या फिर एथलीट्स कोई है आपने सर, और प्लेयर हॉकी प्लेयर, यस, तो प्लेयर जब मैं खुद वॉलीबॉल प्लेयर और टेबल टेनिस प्लेयर रहा हूँ, तो हमको लास्ट तक कॉस्ट्यूम नहीं मिलते, मतलब दो तीन दिन एकदम लास्ट मोमेंट में, दो तीन दिन पहले मिलता था टूर्नामेंट टाइम में, इतना तो खराब कर देते तो मुझे पहले मिलता, तो ऐसे चल रहा है प्रैक्टिस, लेकिन जब वो दो तीन दिन पहले का जो कॉस्ट्यूम के साथ जो प्रैक्टिस मिलता था, माय गॉड सब लोग एकदम चांद लगा देते थे, इवन प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है प्लेइंग, तो ये डिफरेंस। तो उसके कारण जैसे प्रोजेक्ट ने बताया कि जैसे ही आप धोती कुर्ता पहनते हैं और तिलक धारण करते हैं, फीडबैक होता है इतना अच्छा हो रहा है इतना नहीं हो रहा है, दैट इज डिफरेंट, वो होता है तो बेस्ट है, एटलीस्ट आपका अटायर भी रहता है तो यू विल बी अवेयर कि नहीं मेरा बिहेवियर अच्छा होना चाहिए ऑटोमेटिकली। एक जस्ट स्टोरी मैं बताता हूँ मुझे, एक बार क्या होता है, एक चोर जो है एक गांव में चोरी करके भाग रहा है, पूरे गांव वाले उसके पीछे भाग रहे उसको पकड़ने के लिए, तो चोर क्या करता है दूसरे अभी पकड़ने ही वाला है बस अभी बस एक चकमा लेके पेड़ के पीछे वो छुपा रहता है, क्या करूँ क्या करूँ, तो वहाँ पे कुछ वो राख दिखता है, तुरंत वो राख पकड़ लेता है, इधर उधर किधर ऐसे बस में कर लेता है और बैठ जाता है सब, तो वही जो गांव वाले उनके पीछे जान के हाथ मतलब जान के पीछे हाथ धो के पड़े थे, वही गांव वाले जैसे ही करे हमारे गाँव में साधु आ गया, साधु आ गया कोई तो नया साधु आ गया, तो उसको बिठा के पूरा पूरा उसका अभिषेक अभिषेक करा के उसको पूरा महंत बना देते उसके गाँव में, तो वो जो जो चोर है वो सोचता है बाप रे अगर मैं एक्टिंग कर रहा हूँ ऐसा और मुझे इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है, इतना मुझे इज्जत मिल रहा है, अगर मैं सही में अगर बात बनूँ तो क्या होता, तो उसका हार्ट ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो बहुत बड़े साधु बन जाता है, फिर अपने आप को रिवील करता है गाँव वालों को, दैट इज द पावर ऑफ एटलीस्ट दैट इज द पावर ऑफ बिहेवियरल साइंस, क्योंकि एटलीस्ट उन्होंने बिहेवियर को प्रकट किया। अभी आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई हमेशा मतलब क्या बोलते हैं जस्ट एक्टिंग करेंगे बाद में अपना काम करेंगे, इसका ये मतलब नहीं है, मतलब ये है कि अगर आपने अगर शुरुआत भी कर दी एटलीस्ट दिखावा से, एटलीस्ट आपके बिहेवियर से एक्शन से, इंटेंशन अभी भी उतना प्योर नहीं है, बट अगर एक्शन अगर उसके उतार रहे हैं हम, तो दैट इज ऑल्सो सक्सेस, दैट विल लीड अस टू प्योरीफाई अवर कोई भी चीज उसके पीछे साइंस क्या है, हम जब ये सीखेंगे तब, जैसे अभी रिसेंटली नॉमिनेट हो गए बड़े भाई की शादी हुई, ठीक है, तो मैं उस शादी में काफ़ी इन्वॉल्व था, दो तीन दिन में वो सब अरेंजमेंट्स करना, सब चीज़ करना, हमारे इस्कॉन जुहू के डिवोटी आए थे, प्रोजी आए, बहुत सीनियर डिवोटी हैं, इस्कॉन डिगड़ी से भी एक प्रोजी आए हुए थे, उन लोगों ने पूरा सेरेमनी को मैनेज किया, बहुत ब्यूटीफुली हुआ, उसमें हरे नाम कीर्तन हुआ और मतलब बहुत सारी चीज़ें बताई गई कि शादी का यही डिफरेंस होता है। थोड़ा ऑफ टॉपिक में बात कर रहा हूँ, जब इस्कॉन डिवोटीज कोई भी सेरेमनी करते हैं और जब बाकी कोई भी सेरेमनी होती है, जैसे कल सत्यनारायण कथा हुई सोपर, आई मीन हमारे घर पे हुई, नामी घर पे हुई,
वहां पर वो जो डिवोटीज आए थे दे वर नाइस, कर्नाटक का ब्राह्मण थे, बट दो तीन घंटे का सेरेमनी चला और उसमें कहीं पे भी एक्सप्लेनेशन नहीं आया कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बस अभी बोल लो फूल को डालो ऐसे से करके और फिर हो गया से। उसके बाद जनरली सेरेमनी ऐसे ही होता है, पता नहीं चलता लास्ट तक। यस, बट इस कॉल में क्या भी फायदा क्या हुआ, प्रभु जी लोगों ने एक एक जो प्रथाएं कराई, रिचुअल कराए, उसके पीछे साइंस बताया, तो बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन था। जैसे एक मैं आपको बताता हूँ रिचुअल जो प्रभु जी ने करवाया, चावल के अलग अलग पहाड़ टाइप के बनाए और बोले कि एक एक कदम आप रखते जाइए, वो जो भी माता जी थी उनको बोले एक एक कदम आप रखते जाइए, और जो प्रभु जी थे उनको बोले कि आपको एक एक प्रॉमिस करना है। जैसे जैसे ये चावल के दानों पर रख रहे तो चावल का दाना क्यों रखा गया, बिकॉज वो लक्ष्मी को सिग्निफाई करता है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें बात किए और फिर बताए एक एक प्रॉमिस लिए हाथ में हाथ डाल के। तो सेम चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया, जैसे हमने एक्सपेरिमेंट में एक्सपीरियंस किया ना कि आप जाते, कोई बोल सकता है ना क्यों पंडितों को बुलाना है, 5,00,000 रुपया खर्चा करना है, 5 स्टार बुक करना है, क्यों जबरदस्ती सब करना है, कोर्ट में जाओ 5,000 रुपये का एफिडेविट बनेगा, दो विटनेस के साथ शादी हो गई बस रहो साथ में, क्यों इतना सब ब्राह्मणों को बुलाना है, उनको दक्षिणा देना है, यज्ञ करना है, अग्नि जलाना है, क्यों ये सब चीज़ें। उस चीज़ उस सेरेमनी से समझ में आई कि एक एक जो चीज़ है जो साइंटिफिकली डिजाइंड है कि कैसे वो आपके अंदर वो बॉन्डिंग क्रिएट करे। पूरे पूरा जो सेरेमनी था शादी में उसमें वो एक ही कपड़ा था जो दोनों बांध के रखे हुए थे प्रभु जी और माता जी, तो उससे क्या एक बॉन्डिंग सिग्निफाई होता है कि अब आप बंधन में जा रहे हैं, अब ये बंधन के बाहर आपको नहीं देखना है। तो जो एट्थ प्रॉमिस था कदम रखते हुए यही था कि अभी जैसे आपने देखा एक एक उंगली को उन्होंने चावल के ऊपर रखा, तो ऐसे ही आपको सिर्फ अपनी जो भार्या है उनकी आंखों में देखना है, बाकी जितनी भी स्त्रियां हैं दुनिया में उनके चरणों में देखना है। ये सिग्निफिकेंस था उस एक 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 चरण रखने का उसमें, कि आप चरणों में देखोगे बाकी सबको, तो इतना स्ट्रांगली ये चीज़ इंस्टेल हो जाता है आपके ब्रेन में। आप कुछ कुछ एक्टिविटीज करते हैं तो जो ऐसे नहीं होता, जैसे रामदेव बाबा जी भी ये चीज़ बोलते हैं कि आपको गुस्से का एक्टिंग भी नहीं करना चाहिए, अगर हम लोग एक्टिंग कर देते ना, एक्टिंग भी नहीं करना चाहिए, वो भी आपके अंदर वो नेगेटिव इमोशन जो वो नेगेटिव केमिकल्स रिलीज करा देते हैं आपके ब्रेन में, स्ट्रेस कॉजिंग कॉर्टिसोल वगैरह जो भी है, एक्टिंग भी नहीं करना चाहिए बोलते हैं। तो यू एक्ट इवन दो यू डोंट हैव फीलिंग्स, दोस फीलिंग्स विल बी इंड्यूस्ड इन यू, दैट डजंट मीन कि सिर्फ फीलिंग्स है ही नहीं कुछ भी और सिर्फ एक्टिंग है ये सब चीज़ें, ये प्रभु जी लोग जो बैठे हुए थके हुए होंगे बैठे हुए बस उनके अंदर कुछ फीलिंग है नहीं, बस बोल दिया है तो कर दिया, नहीं माइलेज ऑफ डिफरेंस, बट स्टिल ये एक फैक्टर है कि एक्टिंग अगर हम करते हैं तो उससे फीलिंग्स इंड्यूस होते हैं। देखेंगे कि वैष्णव सदाचार के फायदे क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स, महत्व क्या है उसके। तो सबसे पहला वैष्णव सदाचार का जो महत्व है, जैसे कि रूप गोस्वामी बताते हैं, अनंत गोस्वामी, जो हमारा कृष्णा वॉशियस जो मोमेंट है या फिर भक्ति का सार इसेंस, दो चीज पॉइंट आता है मेंशन करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। मेरे साथ एक बार बोलिए, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा And never forget Krishna. दो की पॉइंट है जो हमारे जीवन में हम सभी चाहते हैं, जो भी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर है कहीं ना कहीं सारा चीज जो हम कर रहे हैं, इवन चैंटिंग, कमिंग टू टेम्पल, डिस्कसिंग कृष्ण कथा, एंड जो हम आज सीख रहे हैं आज वैष्णव सदाचार, तो इसका दो इम्पैक्ट, इवन मंदिर मंदिर का निर्माण होना, मंदिर में पूजा अर्चना करना, मोती कुर्ता पहनना, जितने भी एक्ट है तो इसका दो आउटपुट आना चाहिए, दैट इज ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा जो है वो हम चैटिंग करते हैं और कथा सुनते हैं, बुक्स पढ़ते हैं बुक रीडिंग, एंड हम धाम यात्रा करते हैं, तो जो प्योर डिवोशनल सर्विस पे जो इनपुट्स है पॉजिटिव इनपुट्स, उससे हम हमेशा भगवान को रिमेंबर कर सकते हैं। Always remember Krishna. ये वाला point बहुत फील होता है। Second जो point है, do not forget Krishna. Actually दोनों में अंतर है। Remembering Krishna and do not forget Krishna. जैसे
जैसे आई लाइक फ्रेंच फ्राइज, दूसरा स्टेटमेंट हो गया कि यू नो आई डोंट हेट फ्रेंच फ्राइज, तो दोनों में अंतर है, दोनों की बहुत जरूरी है। तो कैसे, इसीलिए जब भी हम वैष्णव सदाचार जो सीखते हैं उससे हम ये वाला पॉइंट क्लियर करते हैं कि वी आर वेरी मच कॉशियस टू लॉर्ड्स प्रेजेंस एंड हिज पैराफर्नेलिया एंड हिज डिवोटीज, वी बिकम मोर सेंसिटिव। तो जैसे ही हम यू नो हमारा बिहेवियर को हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, अभी खुद को जैसे प्रोजेक्ट लास्ट टाइम लेक्चर में लिया था सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते क्या है, उससे एक तो हम खुद के बिहेवियर को ठीक करना चाहते हैं ताकि हमारा डिवोशन सही से चल रहा है कि नहीं, और हमारे बिहेवियर को ठीक करते हैं ताकि हम किसी दूसरे को तो हर्ट नहीं करें। तो वी बिकम मोर सेंसिटिव, वी बिकम मोर सेंसिबल। तो ये पहला जो इसका बेनिफिट है जो एक्चुअली वैष्णव कल्चर किताब में भी दिया है, उसी के रेफरेंस में हम ये पूरा सेशन दो तीन सेशन जितने भी बनते हैं उसको हम गौर करने वाले हैं। इसको पहला जब भी वैष्णव बैठते हैं तो वो धोती को हमेशा ऐसे कवर करके बैठते हैं, देखो मेरे लोटस फीट, दिस इज नॉट nice, it's not etiquette. खास करके जब हम टेम्पल हॉल में बैठे हुए हैं और भगवान का ऑल्टर खुला हुआ है तब तो दिस इज एक्सट्रीमली यू नो आपने कहीं ने ऑब्जर्व किया होगा चीजें कि हम लोग थोड़ा पीठ को हट के बैठते हैं, आप लोगों से किसी ने ऑब्जर्व किया? ओके, धीरे धीरे अभी ऑब्जर्व करेंगे और जैसे आपका ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा और आपको अगर इसके पीछे का साइंस पता चलेगा ऑटोमेटिकली आप इसको एंकर करने का कोशिश करके सकते हैं, फोर्सफुली नहीं। और कुछ एग्जांपल दे सकते हैं कि क्या एग्जांपल से जो वैष्णव एटिकेट सिखाते हैं? तो सो बहुत सटल साइंस है ना, एंड दीज आर आल्सो ये इसको भी संस्कार बोलते हैं, है ना। कई बार हम सुनते हैं कि इसको हमारे माँ बाप ने यही सिखाया तुमको, यही संस्कार दिए हैं तुमको, ये संस्कार है। तो ये जो बात हम लोग कर रहे हैं जिस चीज को कि जैसे झूठा हम पानी को झूठा करके पी लेते हैं और फिर उसको कहीं पे भी रख दिए, तो कई लोगों के मतलब बॉर्न एंड प्रॉब्लम हो सकता है ऐसा कि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, घर पे ऐसा कोई बोलने वाला नहीं है कि झूठा ग्लास को ऐसे नहीं रखा जाता है, उसको धोने के लिए सिंक में डाला जाता है, नहीं ये कल्चर नहीं होता है। बट जिन लोगों को सिखाया जाता है, जिन लोगों के घर में ये होगा कि नहीं झूठा ग्लास है, मैं आपको बताता हूँ उसके पीछे साइंस, हमारा माइंड कैसे काम करता है। वो ग्लास है वो वहाँ रखा हुआ है, ठीक है, और मुझे पता है कि वो झूठा है, तो मुझे क्या दिखाई देगा, मुझे दिखाई देगा उसके 4 फीट दूर तक उसके जर्म्स चल रहे हैं, वो गंदा है, इट इज डर्टी, उसको हाथ भी लगाऊंगा तो मैं हाथ धोऊंगा, ऐसा है। बट ये कैसे आया, लाइक कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। पहले मुझे जब मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था, बचपन से जो था मुझे पेन चबाने की बहुत आदत थी, लिख रहे हैं चबा रहे हैं ना, सोच रहे हैं तो कोई चबाने लग रहे पेन को, ना पूरा चखना चूर कर देता था वो पेन को, इतना चबाता था मैं, है ना। फिर जब मैं डिवोटीज के उसमें आया तो क्लास चल रही है, तो क्लास में भी हम नोट्स बनाते हैं, तो पेन से नोट्स लिख रहे हैं और फिर चबा रहे, तो डिवोटी जो बैठे हैं क्लास में नॉनसेंस देखो हाथ धो के आप जाके, तो क्लास के बीच में हाथ धोने के लिए भेजते थे मुझे। तो फिर जब ये चीज़ दिमाग में बैठी, अब जब मेरे मुँह के पास वो पेन जाता भी है तो मैं आपको जर्म्स ही जर्म्स दिख रहे हैं। कोई व्यक्ति आया है आपके पास गले मिलने के लिए, जर्म्स है, अरे होती है यार, आपसे प्रेम से गले मिलने के लिए आया है, उसको आप बोलोगे ए ब्रह्मणा साफ रहता हूँ एकदम क्लीनलीनेस। सो सेंसिटिविटी, डिवोटीज आर वेरी सेंसिटिव आल्सो। सो एक और प्रिंसिपल इसमें याद रखने वाला
कि ऑल दीज रूल्स दैट वी आर लर्निंग ये पर्सनल एप्लीकेशन के लिए, ये दूसरों में देखने के लिए नहीं है. दूसरों के लिए यू बिकम लीनियंट, अपने लिए यू बिकम स्ट्रिक्ट. दिस इज स्ट्रिक्ट 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 दिस इज वैष्णव. दो वर्ड आते हैं, नियम आग्रह एंड नियम आग्रह. नियम आग्रह मतलब उसके जीवन में कोई नियम नहीं, अरे चलता है ये भी चलता है वो भी चलता है, मतलब नियम को बहुत डाइल्यूट कर दे रहा, मतलब नियम आग्रह. एंड नियम आग्रह मतलब नियम को इतना पकड़ लिया कि भाई उसका पूरा नियम एक चीज है और उसका जो आउटपुट है एसेंस है वो अलग है. जैसे सपोज आप यू नो समोसा खरीदने के लिए समोसा खरीदे किसी शॉप से कोई क्लास से, तो समोसे के साथ आपको प्लास्टिक मिलता है जिसमें आप कैरी करते हैं, तो पता चला आप जो समोसे को फेंकते हो प्लास्टिक को आपके घर में संभाल के रखते हैं. ऐसा इसके लिए बहुत सुंदर एग्जाम्पल प्रभुपाद जी देते हैं कि एक आदमी डूब रहा है पानी में, आप डूबी मारे उसको बचाने के लिए और वो बंदा तड़पड़ा रहा है, तो बोले यार ये तो बहुत परेशान कर रहा है, उसको एक थापड़ मारे वो बेहोश हो गया, उसका कपड़ा निकाल के क्या गया, आई हैव सेव्ड द मैन, मैंने बचा लिया, कपड़ा बचाया आपको, आदमी को नहीं बचाया. तो एसेंस रूल्स इज सेकेंडरी, एसेंस इज प्राइमरी. तो एसेंस इज टू नॉट फॉरगेट कृष्णा एंड टू ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा. और जितने भी रूल्स एंड रूल्स अभी जो धीरे धीरे सेशंस में कवर करेंगे, that is to help the essential point, the primary goal. और second इसका अगर मैं beneficial अगर लूँगा वैष्णव प्रदाचार के महत्व उसके beneficial. second पहला क्या बताया था मैंने, first was yes we become more sensitive our inner behavior. second is we become we हम अपराध नहीं करेंगे, we become more alert to not hurt people. so जैसे बहुत बार आउटसाइडर्स के लिए ऐसा नहीं कि ये जो बिहेवियर साइंस है ये खाली एक कम्युनिटी के लिए नहीं है कि नहीं है, जैसे मंदिर में घुसा हो ना तो वैष्णव प्रदाचार का बटन ऑफ करना है, ऐसा नहीं है. एक्चुअली अगर आप किसी को हेल्प करना चाहते हैं, यस come to the knowledge of Krishna Consciousness, मुझे पता चल गया, and you wanted to give to your friends. So, how आपके friends जो है वो उनको पता कैसे चलेगा कि भाई आप में कुछ knowledge है, आपका दिमाग खोल के तो check नहीं कर सकते कि भाई इसने Krishna Consciousness knowledge को accept किया कैसे क्या है. तो how कैसे कोई भी एक व्यक्ति जो है वो पता चलेगा कि यस इसमें भक्ति है, कुछ अच्छे क्वालिटीज है, थ्योरेटिकली तो पॉसिबल नहीं. तो जब भी आपका बिहेवियर अच्छा रहेगा तभी जाके आप किसी को आपके पास जो अच्छी चीज है अच्छा नॉलेज आप दे सकते. तो इसी यही क्राइटेरिया है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, फंडा यही मार्केटिंग सिस्टम का. तो ऑफकोर्स अगर बहुत मोर इमोशनल इसमें जाएंगे तो इंटेंशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन अ प्रेजेंटेशन. बट जब बात हम जब सोसाइटी में रहते हैं और हम एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जीते हैं तब जाके हमारा ये बिहेवियर जो है बहुत अच्छा टूल है कि हम हमारे जो भक्ति के एस्पेक्ट्स है जो हमारे पास कोई भी अच्छा चीज़ है उसको हम कन्वे कर सकें और उसकी लाइफ को भी ब्लिसफुल और फॉर्चुनेट बना सकें. कोल बर्निंग कोल एंड थ्रोइंग इट एट समवन एल्स, द फर्स्ट पर्सन दैट गेट्स बर्न्ड इज यू. सो बहुत सुंदर ये पॉइंट है कि आप एक पाइपलाइन है, आपके अंदर से जो निकलेगा वो पहले आपको टच करके जाएगा. तो इफ यू आर ग्रेटफुल टू समवन, अगर आप वैष्णव एटिकेट्स को बाहर भी पालन कर रहे हैं, आप सेंसिटिव हैं लोगों के प्रति, आप बिहेवियर अच्छा दे रहे हैं, लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, सर्विस एटीट्यूड है आपके अंदर, तो ये चीज दूसरों को इंस्पायर करे ना करे, दूसरों को हेल्प करे ना करे, ये आपके अंदर से होके निकल रही है, तो ये आपको प्योरीफाई कर रही है. दिस इज द मोस्ट बेनिफिशियल पार्ट ऑफ फॉलोइंग वैष्णव एटिकेट्स, ये दूसरों को इम्पैक्ट करे ना करे ये आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है. सेम एग्जाम्पल, आप दूसरों के लिए प्रे नहीं कर रहे, आज आपके आँख से आंसू निकल रहे, दूसरों के लिए नहीं है वो, आप उससे नरिश्ड फील कर रहे हैं भक्ति में, तो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. तो मुझे आप लोगों से फिर एक क्वेश्चन पूछना था,
कि आप लोगों को क्या क्या बिहेवियर, और वो ये डिस्कशन बहुत लंबा जा सकता है, बट फिर भी मैं ये डेयरिंग करके आप लोगों से पूछ रहा हूँ, प्लीज आप लोग इनपुट्स दे दें, क्योंकि आप लोग देते नहीं हो इनपुट। आपका शिफ्टिंग बैठे हुए प्रसादन है सबके लिए, आराम से आप इसको धीरे धीरे एलाबोरेटली आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं जो मन की बात है। तो नाउ मोस्ट ऑफ अवर प्रीवियस टॉपिक हमने कवर कर लिया है, तो नाउ इट्स योर टर्न टू ओपन अप। तो ऐसे कौन कौन से बिहेवियर हैं जो आपको इरिटेटिंग लगते हैं आपके आसपास के करने वाले, आपके आसपास कोई लोग हैं और कोई वो करता है कार्य तो आपको इरिटेटिंग लगता है, आपको इससे और फील होता है? यस, स्मेल आती है, मजा नहीं आता। यस, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, ओके, ये तो आपको एकदम ग्रॉस प्रिंसिपल्स में जा रहे हैं। सो मेरे भी टेबल में अगर कोई बैठ के आ रहा है तो आई कैन नॉट। यस, वेरी नाइस पॉइंट, अब्यूज वर्ड, अब्यूसिव वर्ड्स कोई बोलता है तो। यस, और कोई सुनने की कोशिश कर रहे हैं, बी इट कॉलेज लेक्चर्स, बी इट यू नो डिवोशनल लेक्चर्स, कॉलेज लेक्चर्स क्या बोल रहे हो, सोता हूँ मैं तो पूरे कॉलेज के लेक्चर, कोई क्या कहता है फर्क नहीं पड़ता है, बट एक पॉइंट इससे मैं थोड़ा और एक्सटेंड करूँगा, मुझे पर्सनली क्या पसंद नहीं है, मुझे तो इवन फोन अगर कोई चलाता है वो भी मेरे को नहीं पसंद आता है, डिवोटी स्पेंड, बट ऑफ कोर्स आई डू नॉट फोर्स, क्यों, क्योंकि क्या पता कुछ अर्जेंट मैसेज हो, कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज हो, तो दैट इज व्हाई आई डोंट फोर्स, बट एसेंशियली कोशिश हमको ये करना चाहिए कि अगर हमको बोर्डम हो रहा है लेक्चर में तो हम फोन ना निकालें, वो वेरी यू नो कुछ करने करने की कोशिश करे, तो मुझे भी ये पसंद नहीं है। तो कई बार जो है ऑन द नेम ऑफ सर्विस इट बिकम दिस सर्विस, तो बहुत नए नए लोग जो आ जाते हैं दे वांटेड टू हेल्प और आपके एकदम स्लो में बचा नो कीर्तन प्ले कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, तो इट बिकम्स अ डिस्टर्बिंग पार्टी, सो दैट आल्सो जो मेरे तरफ से जो मुझे अच्छा नहीं लगता है, और एक कीर्तन को एक उसके एनवायरमेंट में हम उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते। प्रभु जी इज ओपनिंग अप दिस हार्ट, बट आप देखिए इन्होंने कभी भी किसी को कमेंट किया है, कभी भी किसी को भगा है, मेरे को नहीं आता भागने से नहीं, सो ही इज सेंसिटिव, दिस इज द एग्जांपल दैट वी हैव टू टेक, ऑल्दो हमको इंटरनली डिस्टर्बिंग फील हो सकता है बट वी स्टिल से सेंसिटिव कि ठीक है व्यक्ति वो इंटेंशन, जैसे प्रभु जी ने बताया था कि हमको अपना इंटेंशन और एक्शन दोनों चेक करना है, सामने वाले का इंटेंशन चेक करना है, एक्शन नहीं चेक करना, तो ही इज नोइंग इंटेंशन कि भाई सेवा करने की इच्छा से आया है, इसको सीखना है, इसको यू नो कीर्तन में पार्ट लेना है, तो ही इज अप्रिशिएटिंग, वी शुड अप्रिशिएट द इंटेंशन ऑफ द कीर्तन, सो दैट, बट हाँ पर्सनली इंटरप्शन फील हो सकता है, तो आप लोग So, just conclude with that example for me, कि जब मैं feel करता हूँ कि I am getting disturbed by someone who is not able to sing with us, तो मैं क्या सीखता हूँ कि कम से कम next time जब कहीं कीर्तन होगा I should not become the disturbing element, तो अभी मैं उसे direct नहीं बोल सकता हूँ, but उससे मैं ये सीख सकता हूँ कि मैं किसी you know musical कीर्तन में आई शुड नॉट रिपीट और डू दैट मिस्टेक, और किसी का जो कीर्तन है कोई भी प्रवचन हो या फिर कोई भी तीन वर्ग चल रहा है, तो वहाँ पे तो मैं माइंडफुल रहूँ, सबसे पहले मैं जाके पूछूंगा कि
कि इसमें क्या क्या चीजें लगते हैं और उनसे मैं ट्रेनिंग भी लूंगा कि यू नो प्रभु जी आप ही मुझे सिखाइए बिकॉज आई हैव इंटरेस्ट अभी राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू डू इट प्रॉपरली आई मे मैं कुछ करने जाऊँ कुछ अच्छा ना करूँ एटलीस्ट पूरा तो नहीं करूँ तो प्लीज कृपया मुझे सिखाइए देन हैप्पीली ही विल टीच अस एंड देन वी कैन सर्व इन अ प्रॉपर वे और कुछ एग्जांपल और ये इज एलिवेटिंग समवन इन माय विसरी इज जस्ट स्क्रॉलिंग ऑन द रील्स एंड द रील साउंड इज कमिंग आई वॉक ऑफ दैट प्लेस राइट Any reels now there are multiple platforms of reels. After every 5 seconds a new song. After every 5 seconds a new song. Highly disturbing. In fact, this is like example. तो परसों मैं कैब में जा रहा था जहाँ शादी का था वेन्यू तो उसमें वो व्यक्ति कार चला रहा है ओला एंड हाई स्पीड रख के वी वॉचिंग मूवी ये तो साउथ इंडियन है कार चला रहे जब करने का कोशिश करना था मेरा जब तो गया पकड़ के मैंने उसको पहले धोया पागल हो गया की अपने लाइफ का वैल्यू दे तो कस्टमर की लाइफ का तो वैल्यू कर लो आप एंड उनको भी फिर उतरने के समय आई एक्सप्लेन इट टू हिम दिस इज वेरी डेंजरस सो दिस फोन थिंग इज सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी डैमेजिंग हमारे ब्रेन को इस पे मैं अलग वी विल टॉक ऑन दिस सम डिफरेंट प्लेटफॉर्म बट दिस इज आल्सो वेरी वेरी मोर इरिटेटिंग इज प्रोजी इफ यू टेल दैट पर्सन दे फील बैड इज दे कैन से टॉक यस मैं एडिक्टेड छोड़ ना हूं हां यस दिस इज माय पर्सनल लाइफ इट्स माय पर्सनल ये लोग बोलते सो दिस इज अदर एग्जांपल दिस इज प्रोजी वांट टू वेरी नाइस पॉइंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या है सेंसिटिविटी डज नॉट मीन सुई हुई इसको कुछ भी बोल दिया तो एकदम सेंसिटिव हो जाता है दैट इज नॉट सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी इज दिस दैट आपने महसूस किया कोई चीज़ डिस्टर्बिंग है तो आप वो चीज़ नहीं करोगे आगे जाके तो इफ यू अंडरस्टैंड दिस इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग या टॉकिंग इन बिटवीन क्लासेस मेकिंग नॉइज और ये वो आपको डिस्टर्बिंग लगता है आप नेक्स्ट टाइम जब किसी क्लास में बैठेंगे या आप किसी के साथ कन्वर्सेशन करते रहेंगे तो अपना फोन निकाल के स्क्रॉलिंग नहीं करेंगे दिस इज सिंपल आई वांट टू ऐड अ स्टेटमेंट बाय हिज ओनली साधना सर वाला मतलब सीनियर डिसाइपल ऑफ गोपाल ही सेड मेरी टाइम हमें लगता है कि भाई यू नो हम लोगों को टॉलरेट कर रहे हैं ये मुझे इरिटेट कर रहा है ये ऐसे आ गया मुंह खा कहाँ से सुबह सुबह तो हम कुछ परसेप्शन बना लेते हैं और हमें लगता है कि लोग हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं हम किसको किसको टॉलरेट कर रहे हैं बट महाराज ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट बताया कि वी थिंक दैट यू नो वी आर टॉलरेटिंग पीपल बट एट द सेम टाइम सो मेनी पीपल आर टॉलरेटिंग अस तो सेकंड पार्ट को ही हमने देखा जैसे प्रोजी बता रहे कि यस तो अभी पैराडाइम शिफ्ट होगा कि जैसे हमने बताए इतने सारे जो चीज़ें हमें डिस्टर्बिंग लगते हैं सो नाउ प्रोजी विल एक्सप्लेन हाउ वर्क्स अपोजिटली डायगोनली यस एक्चुअली प्रोजी एक्सप्लेन द होल पॉइंट यही है बात कि आपको जो जो चीज़ें महात्मा गांधी का भी स्टेटमेंट है बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड जो भी आप चेंज देखना चाहते हैं दुनिया में वो आप खुद बन जाइए खुद अप्लाई कीजिए उस चीज़ को तो इसीलिए आपको जो भी चीज़ इरिटेटिंग ट्रबलिंग लगती है प्रॉब्लमेटिक लगती है आप उसको खुद बंद कीजिए सबसे पहले ऑटोमेटिकली एंड देन ऑफकोर्स आप सीख भी सकते हैं और भी लोगों को देखते हुए समझते हुए आपको इस सब्जेक्ट जैसा हमने स्टार्टिंग में भी बोला था ये समुद्र है जिसका हमने बस अभी सरफेस टच किया वेस्टर्न एटिकेट्स ये है ये बहुत डीप सब्जेक्ट मैटर है सिंपल एग्जाम्पल से मैं आपको एक बताता हूँ श्री चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल सर्वेंट चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वयं उनके पर्सनल सर्वेंट दोपहर के 1:30 बजे कीर्तन करके महाप्रभु आते हैं और वो इतना थक जाते हैं कि वो सो जाते हैं सीधे दरवाजे पे गंभीराम पर गए थे अभी माया पूरी माया को वहाँ गंभीराम ने देखा था तो वहाँ सामने सो गए चैतन्य महाप्रभु अब महाप्रभु का जो प्रसाद है वो गंभीरा के उस कमरे के अंदर रखा हुआ है अभी पर्सनल सर्वेंट अभी कोई भी आपको अगर बोले कि राधा
मदन मोहन जी के बेटीज हैं उनके ऊपर से नांग के आप जाइए, उनके ऊपर से ऐसे चल के जाइए, आप कोई कर पाएगा यहाँ पे? चांस ही नहीं है। मतलब ऐसा लगेगा उनको, इट्स सो ऑफेंसिव, इट्स सो डिस्टर्बिंग है ना। जितने मान लो सामने सोए हो, व्हाट डिड ही डू, उनके पर्सन सर गए, अपना उदरी निकाले, महाप्रभु के ऊपर डाले, लांग के चले और अंदर से प्रसाद निकाला, प्रसाद बनाया पूरा और फिर महाप्रभु को ऑफर किया, महाप्रभु प्रसाद पाए और फिर सो गए, थक गए थे बहुत महाप्रभु। तो अब चादर तो बिछी हुई थी, उनकी उदरी तो बिछी हुई थी, रात के 6:30-7 बजे फिर महाप्रभु उठे, वो देखिए अभी भी अंदर ही बैठे हुए हैं। तो महाप्रभु बोले, अरे तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? तो बोले, महाप्रभु आपको लांग के मैं कैसे जाऊँगा आपके ऊपर से? बोले, अरे देखिए तो अंदर जब घुसे प्रसाद खिलाने के लिए तब तो लांग भी गए ना मेरे को। बोले, महाप्रभु एक्चुअली उस समय आपकी सेवा करने के लिए मैं आपके ऊपर से गया, लेकिन अभी बाहर निकलने के लिए अपने प्रसाद लेने के लिए जाऊँगा मैं, तो उसके लिए मैं कैसे आपको लांग सकता हूँ? तो इस एग्जाम्पल से आप समझ रहे हैं कि सेंसिटिविटी का क्या लेवल है। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सट्रीम सेंसिटिविटी और डिवोटीज में एक्सिस होती है, और भी कई एग्जाम्पल्स हैं। महाप्रभु बिकम सो हैप्पी, सब खुश हो गए कि अरे हाउ ही स्पेशल बिहेवियर सो वंडर, कि भाई देखिए मतलब मेरे लिए इन्होंने लांग के गए बट खुद के लिए नहीं लांग। तो सेम हम इसको अप्लाई कर सकते हैं कि भाई जब यू नो जब बात दूसरे के लिए आती है, दूसरे की सेवा के लिए आती है, तब हम जो है बेसिकली टिपिकली हम लोग क्या करते हैं, जब किसी की सेवा की बारी आती है सारा रूचा निरूचा लगा देते हैं, ओ इतने सारे इस चीज की वजह से मैं इसकी सेवा नहीं कर पाया, कैसे कर सकता हूँ। लेकिन जब बात खुद के लिए आता है सारा रूल्स एंड रेगुलेशन पीछे पड़ जाता है, मुझे भूख लगा था मैं खा लिया। बट होना ये चाहिए कि नहीं, हमें दूसरों के लिए जो सो कॉल्ड जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको डिस्कार्ड नहीं करके, जस्ट टेम्परेली सीज करके या फिर किसी से कंसल्ट करके, किसी हमारे स्पिरिचुअल ऑथर से उसको हम जा सकते हैं। बट जब खुद के बारे में आता है तो हमने बहुत उसको रूल को पालन करना है मैक्सिमम एटमोस्ट जहाँ तक हो सके। तो बहुत अच्छा पॉइंट बताया मुझे आपको। सो आई थिंक वी हैव ऑल आवर पॉइंट्स जो भी हमने डिसाइड किया था उससे ज़्यादा ही खुल गया, बट अब हम चाहते हैं कि आप लोग भी ओपन अप हो कुछ क्वेश्चन। ये इंट्रोडक्शन है, आगे ऐसे बहुत सेशंस आने वाले हैं जिसमें हम स्पेसिफिक बिहेवियरल साइंसेस पे बात करेंगे, स्पेसिफिक बिहेवियरल एटीट्यूड्स। जैसे उसमें से एक मैंने बताया ये दूरी से पैरों को कवर करना, ऐसे और बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे हम बात करेंगे आगे आने वाले सेशंस में। बट इस इंट्रोडक्शन से आपको अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई पॉइंट्स हैं तो आप एक होमवर्क ले सकते हैं क्या सबको? जैसे क्वेश्चन पूछा था ना कौन से चीज़ें आपको इरिटेटिंग लगता है, एक कॉलम वो बनाइए। दूसरा कॉलम कि कौन सी चीज़ें जो है आप दूसरों को इरिटेट नहीं करना चाहते, अगर कोई उसका इंसिडेंस भी होगा तो आप उसको मेंशन कर सकते हो, कब ले मतलब कब हम इस मोमेंट को रिसीव कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप में ग्रुप में आप भेज सकते हो, चाहे कल भेजिए दो दिन एक हफ्ते का आपके पास समय है, जस्ट ये दो कॉलम आपको करना है ताकि हम सीखें। बाकी बहुत सारा चीज़ यू नो जो है हम जिस सर्कल में है उतना ही हम सीख सकते हैं, बट आप सबका इनपुट मिलेगा तो एवरीबॉडी विल गेट बेनिफिट। जैसा हम बोल रहे थे कि ये समुद्र है ये टॉपिक, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि यहाँ पे दो डिवोटीज बैठ के आपको सख्ती से समझा सके। जैसे एक छोटा सा मतलब एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे हमने इस दरी को बिछाया, ठीक है, तो इस दरी को बिछाने के दो तरीके। पहला तरीका है जनरली दरी जो है वो फोल्डेड रहता है, तो बचपन में मैंने भी किया है और देखा भी है, एक लात मारेगा फुटबॉल की तरफ जाएंगे वो इधर आ जाएगा, बढ़िया एकदम शॉट लगेगा वो बीत जाएगा। लेकिन दूसरा बहुत सा तरीका है जो हम जो टॉपिक ले रहे हैं वैष्णव बिहेवियर साइंस के थ्रू वो सैंक्शन है, वो बहुत सा तरीका है, कोई बताए? ओके सही है जवाब, सही है। इसको हाथ से आप हाथ से इसको आप रख सकते हैं, ठीक है। और एक यू नो हमारे राजस्थान प्रभु पुणे के ट्रेनिंग में प्रभु जी बताते हैं कि जो इवन हमारे पुणे ब्रह्मचर्य आश्रम में बहुत सारे फुट स्विचेस हैं,
तो स्पेशली वहाँ पे रूल है कि भले ही वो फूड स्विच, उसका नाम फूड स्विच है, बट उसको फूड से, उसको पैर से नहीं मारना है, तो उसको हाथ से ही पेट यू नो स्विच को दबाने का हमें वहाँ पे ट्रेनिंग है। तो दिस इज द काइंड ऑफ वैष्णव बिहेवियर, आपके छोटे छोटे जो सदाचार जो इवन सपोज यू नो कोई रेस्ट ले रहा है ठीक है और आपको स्विच ऑन करना है तो तुरंत जाके बटन को ऐसे थाड़ थाड़ देते हैं, इतना जोर से आवाज करने की कोई जरूरत नहीं, आप उसको जेंटली भी पुश कर सकते हैं। और एक एग्जांपल जैसे यू नो सपोज कोई रेस्ट ले रहा है और आपको पानी पीना है, तो यहाँ पे सपोज उसका कैन रखा है, तो इतना सेंसिटिव करके मैंने देखा है डिवोटीज को कि अगर आप डायरेक्टली उसको पानी में डालेंगे ना ग्लास से बहुत जोर से आवाज करता है, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, बट अगर आप ग्लास को स्लाइटली बेंड करेंगे ना तो आवाज नहीं करेगा। दिस इज अ काइंड ऑफ सेंसिटिविटी जो यू नो भक्त जीवन में, भक्ति जीवन में, डिवोशनल सर्कल में हमें सिखाया जाता है, तो धीरे धीरे उसको अनफोल्ड करेंगे तो जनरली जो मतलब गांव से विलेज बैकग्राउंड होते हैं उनकी आदत रहती है कि ऊंचा बात करते हैं, और प्रभु जी कैसे रहे मैं यहाँ पे हूँ, पूरा पूरा टेम्पल हाउस की तरफ दिख रहे कौन है, वो स्पीकर जो है अपने टॉपिक भूल जाते हैं। तो इन सब सारी चीजों पे थोड़ा थोड़ा डिस्कस करनी सी, ऐसे छोटे छोटे आदत जो है वो सबके अंदर है, आप अगर स्टडी करते थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो आपको भी अपने अपने हैबिट्स पता चलेंगे। लेकिन क्या है वो जब तक उसको डिस्कस नहीं करते या फिर जब तक वो सुनते नहीं पता ही नहीं चलता। इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनसे हम बातचीत करते हैं उनको पूछते हैं अरे आपको पता है स्मोकिंग इज इंजूरियस और स्मोकिंग अच्छा है, आपको पता ही नहीं था, आपको पता ही ऐसा नहीं कि उसको करना है पता ही नहीं, तो इतना क्रॉस लेवल तक भी लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अगर इस तरीके के फोरम्स हुए तो मे बी हम सब इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर भी आपको सबको हेल्पफुल लगा तो हम लोग मे बी अगर आपका सबका सैंक्शन है, अगर आपकी सबकी इच्छा है तो हम इसके कंटिन्यू करना चाहेंगे ठीक है, तो वाला होमवर्क आप ले लीजिए ताकि हम सब सीख पाए इससे। और मुझसे क्वेश्चन है आप कंक्लूड अभी करेंगे फिर लास्ट में क्वेश्चन आंसर के बाद कंक्लूड मतलब समराइज आपने जो बोला कि एक्शंस प्योर होने चाहिए भले ही इंटेंशंस प्योर ना, बट आई थिंक आपने तो सही बोला होगा, लेकिन मुझे उसका उल्टा लग रहा है क्योंकि आप भगवद्गीता भी अगर देखेंगे तो 3.36 में अर्जुन ने भी यही पूछा कि आप पाप नहीं करना चाहते बट कर बैठे, मतलब उसका पाप करने का इंटेंशन नहीं था बट उसका एक्शन इम्प्योर था। अगेन 9.30 में बताया कि अगर कोई भी भक्त मेरे जगन्ने से जगन्ना भी एवोकेटेबल एक्शन करे, अगर फिर भी वो मेरे भक्ति में लगाए तो उसको साधु मानना चाहिए, मतलब उसका इंटेंशन है भक्ति करने का बट कभी कभी गलती से उसका एक्शन ये हो जाता है। तो अगर हमारे अगर इंटेंशन अगर प्योर होते गए तो एक्शन भी धीरे धीरे से हमारे प्योर होते हैं, इसका वाइस वर्सा होना पॉसिबल नहीं हो सकता, अगर किसका एक्शन प्योर है लेकिन उसके पीछे उसका इंटेंशन प्योर नहीं है तो वो एक्शन भी ज़्यादा उसका काम नहीं होगा। यहाँ पे जैसे भगवान भगवदगीता में बताते यस यू नो वो दुराचार नहीं ही स्टिल डिवोटी, अगर उसके एक्शन में थोड़ी खराबी आ जाती है बिकॉज इट्स इंटेंशन इज प्योर। तो एक्चुअली जहाँ पे मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में बोला है इस चीज को इट वॉज ही इज अ बिगिनर, ही इज अ बिगिनिंग स्टेज का है, तो बिगिनिंग में और इंटेंशन इज रिलेटेड टू हार्ट, बहुत ठीक है इंटरनल एटलीस्ट, इसलिए तो सर
भगवान ने ये भी बोला है कि भाई अगर आपको कंट्रोल करना है, माइंड को कंट्रोल करना है, यू हैव टू स्टार्ट विद सेंसेस. सो सेंसेस के द्वारा फिर माइंड, फिर माइंड से द्वारा फिर इंटेलिजेंस, फिर पॉसिबल देन यू इज गोइंग टू पिरामिड. सो इसीलिए इस कोट एंड कोट प्रिंसिपल के हिसाब से सो एक्शन को सुधारना थोड़ा ज्यादा ईजी पड़ जाता है एक बिगिनर को. देन धीरे धीरे अगर एक्शन सुधरता है तो इंटेंशन भी धीरे धीरे सुधर जाता है. बट ऑफकोर्स जो भगवान उस श्लोक में बोल रहे हैं वो ऐसे डिवोटी की होती है जो कि ऑलरेडी एक समिट तक वो पहुंच गया है, वो भक्ति भी इतना आगे बढ़ चुका है, एक्सीडेंटली उसके हाथ से कुछ गड़बड़ हो जाता है तो यू शुड नॉट कंसिडर इट. इवन जैसे मैंने बोला कि उसने कहा हमें तो इंटेंशन देखना चाहिए, खुद का हमें एक्शन देखना चाहिए. तो कभी कभी हम जो है कंसिडर भी कर सकते हैं खुद का भी सपोज एक्शन अगर बहुत गड़बड़ रहा तो वी शुड बी एबल टू समटाइम रिव्यू आवर सेल्फ ऑल्सो. एंड अगर आगे वाले का एक्शन अच्छा रहा या फिर इंटेंशन अच्छा रहा या फिर इंटेंशन बुरा रहा, अच्छा रहा, फिर भी अगर कुछ ये सब टेक्निकलिटी है, इसमें थोड़ा इधर उधर अगर हो जाता है देन वी शुड कंसीडर. तो भगवान भगवद गीता में वही कर रहे हैं, ही इज जस्ट इज डूइंग अ विपिंग स्टेट कि भाई नो डोंट थ्रो मी आउट, उसको रिजेक्ट मत करो, उसको हेट मत करो, जस्ट एक्सेप्ट. तो मेरा उस हिसाब से उसका आई होप इट्स क्लियर. थैंक यू. और आपके जो और कोई सवाल है या पर्सनल टाइप का आप आपको कुछ ऐड करना है? Simple point. We have to be strict with oneself and lenient with others. तो यहाँ पर जो 9.30 में जो भगवान बोल रहे हैं, 20 में जो भगवान बोल रहे हैं, वो ये है कि साधु देवस का मंतव्य वो हम लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन है किसी और व्यक्ति के लिए. कोई और व्यक्ति अगर हमको दिख रहा है कि कुछ गड़बड़ कर भी रहा है तो वी हैव टू स्टिल कंसिडर इन अ साधु दूसरों के लिए. तो वी हैव टू बी लीनियंट विद अदर्स. अपने लिए नहीं बोल रहे हो, हम प्रभुपाद जी परपट में पढ़ लिया होगा धोया पकड़ के टू बी वेरी केयरफुल वी डू नॉट अपने आपको साधु नहीं समझना है कल गड़बड़ करके. बट कोई और कर रहा है तो वी शुड बी सेंसिटिव, वी शुड बी